ओ भाई, तो क्या सही में बीजीएमआई वापस आने वाला है प्ले स्टोर के अंदर में? क्योंकि यहाँ पे क्राफ्टन गेम यूनियन ने बता दिया है कि बीजीएमआई गेट इट ऑन प्ले स्टोर। हाँ तो भैया, ये क्या पूरा फंडा है बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर में। उसके पहले बता दो कि काफी लोगों का यहाँ पे आईडी बैन हो रहा है, जो है अभी रोज खेलते हैं उनका आईडी जो है बैन हो जा रहा है, कुछ 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, किसी किसी का जो 2-3 महीने के लिए बैन हो जा रहा है। उसका क्या रीजन है गाइस? और यहाँ पे वो पहला जो आपको नोटिस दिखाना, वो नोटिस क्या था वो भी बताऊंगा। तो बता दो, सबसे पहले ना आपको देखना है कि आप कहाँ से जो है डाउनलोड करके खेल रहे हो। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी वेबसाइट डाउनलोड मत किया करो, क्योंकि अभी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह में जो है सिक्योरली मिलेगा, वो है टैप टैप एप्लीकेशन। वहां पे आपको सारे पबजी बीजीएमआई जितना भी चीजें है ना पबजी के, जितना भी वेरिएंट पबजी के सारे मिल जाएंगे, और वो सिक्योर भी है। उसको मैं बहुत दिनों से, 1 साल हो गया वहीं से डाउनलोड करके खेल रहा हूं, आज तक मेरा बैन नहीं लगा है, ठीक है? तो वहां से आप खेल सकते हो, वो रिलायबल है गाइज, क्योंकि वहां पे प्ले स्टोर में जब था तब भी मैं वहां प्ले स्टोर से जो है सॉरी ऐप स्टोर से जो है डाउनलोड किया था, पबजी को डाउनलोड किया था, कोरिया डाउनलोड किया था, यहाँ तक कि बीजीएमआई को भी वहीं से डाउनलोड किया था, और आज तक किसी में मेरे को बैन का इशू नहीं आया, ठीक है? तो आप जो है टैप टैप से कर सकते हो। अब बात रहेगी बीजीएमआई अनबैन की, तो बता दो कि बीजीएमआई जो अनबैन होने के लिए आप लोग को पब्लिशर चाहिए होगा, ठीक है? अगर आप देखोगे तो अलग अलग कंट्री, ताइवान पबजी, ताइवान पबजी वियतनाम, ये लोगों का जो है पब्लिशर एकदम जो है डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग पब्लिशर्स है। और यहाँ पे जो है बीजीएमआई का भी जो है अब टेंशन हट के क्राफ्टन बन चुका है, लेकिन क्राफ्टन का यहाँ पे जो है हल्का हल्का ट्रेसेस पाया गया है चाइना के साथ, और इसके लिए इसको जो है ब्लॉक लगाया गया, बैन नहीं किया गया अभी तक, ब्लॉक लगाया गया, ठीक है? क्योंकि अगर आप बैन किया था ना जी, तो ये बीजीएमआई जो है वापस लौट के नहीं आ पाता, क्योंकि एक बार जो गेम बैन हो जाता है तो वापस से लौट के नहीं आएगा। जैसे कि मान लो पबजी मोबाइल जो बैन हो चुका है वो वापस से नहीं आ सकता, तो नाम चेंज करके बीजीएमआई को लाया गया है, उसीलिए जो इसको बैन नहीं किया गया, जस्ट ब्लॉक किया गया है। अब ये गाइज आएगा कैसे? इसको आने के लिए जो आप पब्लिशर अपना चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ गाइज, अभी आप देखोगे ना तो ताइवान का अलग पब्लिशर होगा, वियतनाम का जो है अलग पब्लिशर होगा, दोनों का जो है टेंशन नहीं है, दोनों की जो है कंट्री का टेंशन से प्रॉब्लम था तो टेंशन को हटा दिया गया, और वहां के इसको ना वो लोगों का किस्मत अच्छा था कि उनके पास बहुत ही बढ़िया पब्लिशर था। अब बात आता है कि क्या इंडिया के पास भी अच्छा पब्लिशर है? क्या बीजीएमआई को भी एक अच्छा पब्लिशर मिल सकता है? तो क्यों नहीं मिल सकता गाइज, लेकिन जो है बीजीएमआई पे कोई ट्रस्ट नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि वापस अगर गेम बैन हो जाती है तो वो पब्लिशर का भी अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे ना गाइज? तो यही है पूरा फंडा गाइस। अब देखते हैं पब्लिशर किससे मिलता है हम लोग को गाइस, क्योंकि जो सबसे ज्यादा चांसेस है यहाँ पे जो है जियो अगर हम लोग को दे दे, अगर इसको जो है स्पॉन्सर कर दे तो यहाँ पे पब्लिश हो सकता है, या फिर कोई और भी बड़ा कंपनीज है जो कि पब्लिश कर सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि पब्लिश कौन करता है। तो गाइस आपने जो सामने में फुटेज देखा ना, उस फुटेज को जो है मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मुझे पता चला कि ये जो आप देख पा रहे हो इंस्टाग्राम, एक फेक इंस्टाग्राम है जो यहाँ बता रहा है कि गेट ऑन प्ले स्टोर सून। जी हाँ गाइस, इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ किस तरीके का ये है। जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पे क्राफ्टन INC ऑफिशियल जिसका 18,000 के आसपास फॉलोअर है, और ये वाला जो है ना ये फेक है, ये रियल नहीं है। देख पा रहे कोई स्टोरी भी नहीं है, ना ही यहाँ पे जो है कोई है, नो पोस्ट, ये सारे के सारे पोस्ट इसने हटा दिए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ओरिजिनल वाला कौन सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आपको सर्च करना है यहाँ पे crafton.today, और ये जो crafton टूडे आप देख पा रहे हो यही वाला है ओरिजिनल crafton का यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है? ये देख पा रहे हो गाइस यही वाला ओरिजिनल है, और यहाँ पे ऐसा कोई भी यहाँ पे हम लोग स्टोरी देखने को नहीं मिलता है, तो वो एक तरीके का फेक था गाइस। इस तरीके का जो है बहुत सारे रूमर्स और फेक चीजें बनते रह रही है, आपको इससे बच के रहना गाइस, इसलिए मैं आपको बता दिया, वीडियो बना दिया, ताकि ऐसा कोई जो है अभी तक न्यूज आया ही नहीं है कि यहाँ पे crafton प्ले स्टोर वापस आने वाला है, अनाउंसमेंट हो गया है, ठीक है? अब गाइस लास्ट जाते जाते आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपका आईडी यहाँ पे जो है 7 दिन या फिर 1 महीने के लिए बैन हो जा रहा है, तो आपको उसको कैसे प्रिवेंट करना है? क्योंकि काफ़ी लोग, क्या हुआ था ना, जब रॉयल पास पबजी में आया था लेकिन बीजीएमआई के अंदर नहीं आया, तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पबजी का फाइल जो है ला के बीजीएमआई के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? तो उससे जो है थोड़ा सा यहाँ पे गोलमाल होकर उन लोगों का आईडी बैन हो गया कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। तो उस चीज़ को अगर आपको अवॉइड करना है तो आप जो है लॉग आउट करके एक रूटीन रिपेयर कर लेना, तो आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, या फिर अगर उससे भी नहीं हो रहा तो एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? अब गाइस अगर आपको जो है टैप टैप से इंस्टॉल नहीं करना है गेम को, तो आप जो है मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैंने जो है ऑफिशियल जी हाँ गाइस ऑफिशियल और ओरिजिनल जो है बीजीएमआई का वेबसाइट का जो था हमारा पूरा का पूरा सेटअप, वो सेटअप को मैंने दे दिया है, ठीक है? तो वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो जो ऑफिशियल था, अभी तक आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये था ना गेम तब से मैंने जो टेलीग्राम में डाल के रखा था, तो आप जाकर वहां पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करके तो मिल जाएगा ड्रैगन एंड गेमिंग नाम से। तो ये था इस पूरा वीडियो, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और एक बात जरूर बताना कि यहाँ पे जो है आपको कौन कौन सा गेम और भी देखना है, क्योंकि अभी जो है बीजीएमआई कुछ भी नहीं है, एकदम से जो है डेड हो चुका है गाइस, कोई इवेंट वेंट कुछ नहीं आ रहा है, और पबजी वाले में जो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है गाइस, क्योंकि पबजी वाले कोई खेलते ही नहीं तो इंटरेस्ट क्यों होगा, ठीक है? तो आप बताओ इसके आपको नेक्स्ट गेम दूसरा गेम कौन सा चाहिए, COC न्यू स्टेट या फिर COD, आप क्या खेलते हो उसके ऊपर बताना, मैं उस पर जो है नया वीडियो ला दूंगा, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स पर ला दूंगा, ठीक है?
तो चलिए मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।